A very good afternoon to one and all. In the next series of Inspiring Women of Rajasthan, we are introducing you to a power-packed woman of not only powerful, but a brilliant BTech also at the same point of time. She has done her BTech in food technology, and she is being selected in IPS in year 2005. She is blessed with two beautiful children, and her husband is also an IPS officer. Ma'am, welcome to the interaction session with 40 Women Wing. Let me introduce you to all the forum members to you. Param ma'am, this 40 Women is a platform for all the progressive women who are business entrepreneurs or who are indirectly related to business fraternity or their families into business. So thank you so much for accepting our invitation and to move ahead with the session today. Hamara pehla question aapse hai ki aap ek BTech hain food technology mein, fir aapne kaise socha ki aapko IPS banna chahiye aur is administrative wo bhi itne टफ जिसको बहुत टफ माना जाता है विमेंस के लिए, उसमें आपको कैसे प्रेरणा मिली उस इस तरह के प्रोफेशन में आने की? सबसे पहले तो मैं थैंक्स करना चाहती हूँ 40 वुमेन विंग की कि आप ये सीरीज लेकर के आ रहे हैं. हालांकि मैं अपने आप को एक बहुत ही आप में से कॉमन मानती हूँ, क्योंकि एंटरप्राइज करना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. आप बाकी लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे सकते हो मेरे जॉब से. और IPS बनने का जहाँ तक सवाल है कि जब मैंने इंजीनियरिंग एंटर की तब वो भी एक मेल डोमिनेटेड फील्ड माना जाता है. फीमेल थी या गर्ल्स थी जो इंजीनियरिंग कर रही थी गवर्नमेंट कॉलेज में, तो वो 10% आप ये मान लीजिए कि उस समय भी यदि ये सवाल पूछा जाता कि आपने कैसे मुश्किल फील्ड में आए, क्योंकि जो लड़कियाँ साइंस में अच्छी मानी जाती थी वो ज़्यादातर मेडिकल प्रोफेशन चूज़ कर रही थी मेरे साथ, तो इंजीनियरिंग फर्स्ट चॉइस नहीं माना जाता था फीमेल के लिए, जैसे कि टीचिंग और मेडिकल ये प्रोफेशन ही मेनस्ट्रीम माने जाते रहे शुरू से. लेकिन मुझे जिसको कहते हैं कि सौभाग्य है कि मेरे माता पिता ने एक बेटे की तरह ही बड़ा किया, और उन्होंने ये कभी डाला ही नहीं कि ये लड़कियां नहीं कर सकती या ये फील्ड आपके लिए नहीं है. माय मदर इज़ अ टीचर, फादर इज़ एन इंजीनियर एंड ही इज़ रिटायर्ड एज एन इंजीनियर फ्रॉम इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड. तो उनका ये था कि जो तुम्हारे मन को भाए, जहां तुम अपना पोटेंशियल 100% दे सको वो करो. तो बीटेक के समय भी वो एक बैरियर या एक सीलिंग एक कॉमन था जिसको हमने ब्रेक किया. और कॉलेज में भी कभी ऐसी फीलिंग किसी प्रोफेसर ने कोलीग ने कभी नहीं दी कि कमतर हैं किसी से. यहाँ तक UPSC का सवाल है तो ये ज़रूर है कि एक पैकुलियर डिसीजन था, क्योंकि इंजीनियरिंग के साथ मेन स्ट्रीम जो हमारी बनती है वो MBA करके और आपके अपने प्रोफेशन में जाने की है. MBA इसलिए करना पड़ता कि फीमेल के लिए जो इंडस्ट्री थी वो रेडी नहीं थी जिस टाइम पर मैंने इंजीनियरिंग फिनिश किया. फूड टेक्नोलॉजी में मल्टीनेशनल कंपनीज थी, पेप्सी थी, स्मिता एंड बिकम था, मेरे पास जॉब ऑफर्स भी थे, लेकिन वो प्रोडक्शन शिफ्ट मुझे नहीं देना चाहते थे जो कोर इंजीनियरिंग वर्क हमारा होता है. वो मुझे क्वालिटी मैनेजमेंट में एक जनरल शिफ्ट में 9:30 से 5 बजे वाली में एक तरह से एडजस्ट करने के लिए तैयार थे, विच आई वॉज नॉट रेडी. तो मुझे लग रहा था या तो मैं MBA करूँ तो मेन स्ट्रीम में भी जाऊं तो एटलीस्ट मैं मेरे प्रोफेशन को कुछ कंट्रीब्यूट कर सकूं, तो वो बैरियर था कहीं ना कहीं. तो फिर हम अल्टरनेटिव ढूंढने लगे. मेरे बहुत सारे जो कुलीग्स हैं जिन्होंने इंजीनियरिंग की, वी वर 30 पीपल इन द सेम स्ट्रीम, तो जिसमें से लगभग 25 लोग अभी बाहर हैं, फॉरेन कंट्रीज में हैं, क्योंकि फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री जिस तरीके से इंडिया में होनी चाहिए थी अभी डिवेल्प नहीं हो पाई. सिर्फ 6 या 8% जो हम हमारा फ्रूट्स और वेजिटेबल्स उसको प्रोसेस कर पा रहे हैं. तो अब चॉइस दो ही थी, या तो मैं किसी फॉरेन कंट्री में चले जाऊं या MBA करूं या फिर अनदर किसी जॉब के लिए ऑप्ट करूं.
तो मेरी मदर का और फादर का एक बहुत सपना था जब मैं छोटी थी, वो ये कहते थे कि तुझे अफसर बनाना है। तो बहुत ज़्यादा गाइडेंस नहीं थी पीछे कि कैसे करना है क्या करना है, लेकिन एक जुनून था कि कुछ भी कर सकती हूँ, ये बहुत दृढ़ विश्वास था कि ठीक है मैं जो चाहूँ दुनिया में मैं वो कर सकती हूँ। तो उस चलते मैंने UPSC ऑप्ट किया। मैम, आम तौर पे ये माना जाता है कि पुलिस की जो जॉब है वो विमेंस के लिए बड़ी टफ जॉब है, हालांकि पिछले कुछ सालों में विमेंस काफ़ी सक्रिय हैं इस प्रोफेशन में भी। तो आपका पुलिस फोर्स ज्वाइन करने का जो आपने बताया बचपन से आपका जो आपकी प्रेरणा आपकी पेरेंट्स से मिली, तो आपको क्या क्या कठिनाई का सामना करना पड़ा? और आपके पास और भी तो विकल्प थे, जैसे आप IAS कर सकते थे, RAS कर सकते थे, आपने IPS इतनी टफ जो जॉब विमेंस के लिए मानी जाती है उसके लिए कैसे आपने एग्जाम दिए, सोचा प्रिपरेशन? ये देखिए IPS तो मेरा सेकेंड चॉइस था, IAS फर्स्ट चॉइस, लेकिन IRS नहीं था। मैं मेन स्ट्रीम में रहना चाहती थी, और जैसे आप जहाँ बड़े होते हैं उस माहौल का बहुत एक इफ़ेक्ट होता है आपके ऊपर। तो मैं पंजाब को बिलोंग करती हूँ, तो हम उस फेज़ में बड़े हुए जब टेररिज्म पीक पे था, ब्लू स्टार ऑपरेशन हुआ और कर्फ्यू लगता था, हमने बहुत टफ टाइम देखा है जब हमारे बहुत करीबी रिश्तेदारों को टेररिस्ट ने बस में से निकाल के गोलियों से मार दिया। तो फिर उसके बाद आपको सबको पता है कि असम कार्डर के ऑफिसर हैं गिल साहब, वो आए, पुलिस का बहुत पाइवटल रोल रहा टेररिज्म को ख़त्म करने में अलॉन्ग विद द सोसाइटी। एंड आई हैव सीन फीमेल टू बी वेरी स्ट्रॉन्ग इन आर सोसाइटी एज फार एज पंजाब इज़ कंसर्न, क्योंकि ऐसी माएँ थी, ऐसी बहनें थी जो सामने आई, जिन्होंने ये कहा हमारा भाई टेररिस्ट है, जिन्होंने खुद पुलिस को इन्फॉर्म किया, जिन मदर्स ने पुलिस को इन्फॉर्म किया। तो वो एक बहुत ही इज्जत का माहौल, जैसे पूरे देश में आर्मी ऑफिसर्स के लिए होता है, हमने पुलिस ऑफिसर्स को अपना पूरा परिवार खोते हुए देखा है। तो उससे बहुत ज़्यादा प्रेरित थी कि पुलिस में जाना है पंजाब। हालांकि उस समय ऐसा नहीं पता था कि मैं IPS में जाऊंगी, पर ये लगता था कि पंजाब पुलिस में जा सकते हैं। फिर पता चला UPSC देते हैं तो ऑल इंडिया सर्विस में जा करके हम ऑल इंडिया लेवल पे जा सकते हैं। मैम, फेलियर्स तो सभी की लाइफ में आते ही हैं, लेकिन फेलियर से हम लोग सब सीखते भी हैं। तो आपकी लाइफ में कभी कोई ऐसा फेलियर आया है जिससे आपको डील करना पड़ा हो, जिससे आपको एक कोई प्रेरणा या फिर मोटिवेशन मिला हो? मेरी लाइफ में आप ये कह सकते हैं कि फेलियर ही स्टेपिंग स्टोन रहा है सक्सेस का, क्योंकि फर्स्ट फेलियर मैंने फेस किया जब मैंने +2 नॉन मेडिकल किया। मेरा सपना था थापर में एडमिशन लेने का, जो मैं नहीं ले सकी क्योंकि मेरा रैंक पीछे था, मेरे फादर थापर से ग्रेजुएट हैं। तो उस समय समझ आया कि कहीं ना कहीं लैकिंग रह गई, कहीं ना कहीं तैयारी में कमी रह गई। तो एक कांटा चुभा हुआ था कि नहीं नहीं दिखाना है, कुछ और करके दिखाना है। वो एक फर्स्ट फेलियर आप कह सकते हैं मेरी लाइफ का, जिसके बाद मैं सजग रही पूरी अपनी इंजीनियरिंग के दौरान, लगातार मैं मेहनत करते रही। फिर UPSC में भी मुझे सफलता पहली बार में नहीं मिली है, मेरा फोर्थ और लास्ट अटैम्प्ट था जिसमें मैंने IPS को प्राप्त किया। बाकी तीनों अटैम्प्ट में मैंने मेन्स लिखा, लेकिन मेरे को इंटरव्यू कॉल बहुत छोटे मार्जिन पर मेरा रह जाता था। तो फेलियर मेरे को हमेशा अपनी कमियों को कैसे सुधारना है उसका ही मौका देता रहा, या उसी तरह से मैंने फेलियर को लिया। जी मैम, हमारी को मेरी को मॉडरेटर हैं ललिता कुछ, वो आपसे कुछ सवाल करना चाहेंगी। बिल्कुल, वेलकम मैम। हाय, थैंक यू सो मच मैम, आपने टाइम निकाला 40 वुमेन विंग के लिए, थैंक यू सो मच मैम। मैं ये जानना चाहती हूँ कि जैसे आप सक्सेस के लिए, सक्सेस के आपके क्या मायने हैं, क्योंकि जैसे आजकल लोग सक्सेस के पाने के लिए, सक्सेस की चाह में अपनी लाइफ को जीना ही भूल गए। आप देखेंगे इतने हायर कॉम्पिटिशन हो गए कह लीजिए, या उस फील को अचीव करने के लिए, अपने मोटिव को अचीव करने के लिए लोग जीना ही भूल जाते हैं, खुद से लाइफ को जी नहीं पाते ढंग से। तो सक्सेस मंत्र आपके लिए क्या है, और सेल्फ लव कितना जरूरी है सक्सेस को सब पाना? सक्सेस जो है, देखिए
सक्सेस रिलेटिव टर्म है, जैसे मैं डिफाइन करती हूँ और मैं देखती हूँ. एक जैसे कि व्हाट्सएप पे चल रहा था कि एक साल के बच्चे के लिए सक्सेस कुछ और है, 14, मैं उस सेंस में नहीं कह रही हूँ. मेरा ये मानना है, जैसे मेरी छोटी सिस्टर है, हम दोनों रियल सिस्टर्स हैं और एक ही सेट ऑफ पेरेंट्स ने हमें ग्रूम किया है, लेकिन उसकी इच्छा थी कि वो टीचिंग में जाए, वो टीचर बने. उसने मुझे देख के भी कभी ये नहीं चुना कि उसे एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में जाना है. और लाइकवाइज हम चारों ब्रदर सिस्टर अलग अलग स्ट्रीम में गए, तो किसी को देख के एक तो. दूसरा ये है कि हम इस चीज़ के लिए हमेशा तैयार थे कि ठीक है, सपना बड़ा देखना चाहिए, लेकिन एक सपने के पूरा ना होने के पीछे आप ये सोचिए कि जीवन नहीं है, क्योंकि गॉड की स्कीम ऑफ थिंग्स है वो बहुत बड़ी है. उसमें एक दरवाज़ा आपके लिए बंद होता है तो 10 नहीं खुल जाते हैं. जैसे मैं सक्सेसफुली मेरे 4th अटेम्प्ट में, अब फेलुअर मुझे वहाँ भी मिल सकता था, पर मैं उस सिचुएशन के लिए रेडी थी. और जो जीना बोलते हैं, मैं कहती हूँ बिल्कुल गलत है. पहले शॉर्ट टर्म गोल, मिड टर्म गोल एंड आपके फाइनल टर्म गोल एंड प्लान बी होना चाहिए लाइफ में. लाइफ इज मच मोर देन जस्ट यू नो अ सक्सेस डिफाइंड बाय द सोसाइटी. जैसे आप एंटरप्राइजिंग वीमेन हैं, आपके लिए हो सकता है सोसाइटी ने पहले ये तय किया हो कि नहीं आप घर बैठेंगी, बट आपने कुछ बैरियर्स ब्रेक किए और अपने लिए एक जगह बनाई. तो वही शायद हम सब फीमेल के लिए इंडियन सोसाइटी में ट्रू है. और सक्सेस में खुद के लिए समय निकालना, रिफ्लेक्शन के लिए समय निकालना बहुत जरूरी है. जी मैम, बिल्कुल आपने बिल्कुल सही कहा. तो इसी से कनेक्टेड मेरा दूसरा सवाल मैम आपसे ये कि जैसे पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को आप कैसे बैलेंस करते हैं, जो बोलते हैं ना वर्क लाइफ बैलेंस, तो आप प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ को आप कैसे बैलेंस करते हैं? आईपीएस प्रोफाइल होने के बावजूद आपकी पर्सनल लाइफ कहीं सफर करती है क्या मैम? मतलब शुरुआत में, हाँ बिल्कुल, करियर के शुरुआत में, क्योंकि नॉर्मली आपकी शादी, आपके बच्चे, बच्चों की लालन पालन, करियर के बिगिनिंग में ये सब कुछ कोइंसाइड करता है. क्योंकि आप आईपीएस में आते हो, फिर आपकी शादी होती है, देन यू बिकम अ मदर, देन यू हैव टू बैलेंस योर मदरहुड विद योर वर्क. पर अभी जो हमारी सोसाइटी है और डिपार्टमेंट है वो बहुत सपोर्टिव हो गए हैं, बिकॉज दे आर ऑल्सो आर सीनियर ऑफिसर्स फादर टू वर्किंग डॉटर्स, दे आर ऑल्सो हस्बैंड्स टू वर्किंग पार्टनर. तो हालांकि MNCs की तरह हमारे पास फ्लेक्सी टाइमिंग शेड्यूल, वर्क फ्रॉम होम तो अभी नहीं शुरू हुआ है, लेकिन गवर्नमेंट ने जैसे हमें चाइल्ड केयर लीव दे दी है, मैटर्निटी लीव दे दी है, देन देर आर सर्टन जॉब प्रोफाइल्स विच अफोर्ड यू अ लिटल बिट ऑफ ईजी पोस्टिंग. जैसे फील्ड को छोड़ करके आप ऑफिस जॉब के लिए ऑप्ट कर सकते हो. अभी धीरे धीरे बनेगा. जैसे मैं वही कहती हूँ कि जब किरण बेदी ने शुरुआत की तो बैरियर ज़्यादा थे, आज हम लोग आ गए हैं तो बैरियर कम है. आने वाली जनरेशन के लिए ये हमारा फर्ज है जो हम सीनियर लेवल पे चले जाते हैं कि हम बैरियर्स को कम करते जाएं. जैसे अभी जो हमारे कंटेम्प्रेरी हैं, हम लोग क्रैचीज बना रहे हैं ऑफिसेज में, ताकि जो फीडिंग मदर्स हैं वो अपना ऑफिस जॉब भी कर पाए और अपने बच्चे की देखभाल भी कर पाए. नहीं बिल्कुल सही बोला मैम. नहीं वही, क्योंकि मैम आप जिस पोजीशन पे है ना, वो का बहुत सारी मतलब लाखों गर्ल्स और वुमेन्स का एक मतलब ड्रीम होता है जिसे कहते हैं ना, मतलब आप सबके लिए एक रोल मॉडल की तरह है जो आपकी पोजीशन है. तो यही इसीलिए जानना चाह रही थी क्वेश्चन इसीलिए था कि किस तरीके से बैलेंस होता है. आईपीएस प्रोफाइल जो है ये दूसरी प्रोफाइल से डिफरेंट है, या इसका आपकी जो पर्सनल लाइफ में इसमें जैसे क्या फर्क महसूस करते हैं आप? ये इसी से कनेक्टेड क्वेश्चन. हालांकि डिफरेंट है, बिल्कुल डिफरेंट है. जैसे आम आदमी है या किसी भी और जॉब में आप ये कह सकते हो कि आप अवेलेबल नहीं हो, लेकिन हम ये नहीं कह सकते हमें रात में 2 बजे भी यदि लॉ एंड ऑर्डर ड्यूटी पे लगा दिया जाएगा, वी हैव टू लीव आवर हाउस विद इन 5 मिनट्स. वी रियली कैन नॉट पोस्टपोन थिंग्स, वी कैन नॉट टेक एक्सक्यूजेस. ये बहुत बड़ा डिफरेंस है बाकी अन्य जॉब से जो आईपीएस की प्रोफाइल में होता है. लेकिन वही मैं कहती हूँ कि यदि आप इंदिरा नोई को देखो, सीईओ बनना किसी कंपनी का वो भी उतना ही मुश्किल काम है. तो हम सपोर्ट स्ट्रक्चर्स क्रिएट करते हैं हमारे लिए. जैसे मैं फुल टाइम मेड रखी, मैंने फैमिली का सपोर्ट यदि अवेलेबल है, हालांकि मुझे अवेलेबल नहीं था क्योंकि मेरी मदर इन लॉ भी वर्किंग थी, मेरी मदर भी वर्किंग थी जिस टाइम मैं मदर बनी, वो दोनों ही रिटायर नहीं हुई थी. तो उस समय वही है कि एक्स्ट्रा सपोर्ट लिया. और फिर कुछ चीज़ें अगेन यू हैव टू बी टफ मेंटली, आपको छोड़ना पड़ता है ऊपर वाले पे कि ठीक है मेरा बच्चा सेफ रहेगा,
कोई दिक्कत नहीं है, आई विल बी बैक इन आफ्टर माय जॉब इज ओवर 10 hours 12 hours, कोई इशू नहीं है. नहीं, बिल्कुल सही कहा मैम आपने, बैलेंस बनाना पड़ता है हर जॉब, मतलब कहीं ना कहीं किसी में कोई एडवांटेज किसी में कोई डिसएडवांटेज होता ही है, लेकिन ये अपने ऊपर है उसको कैसे बैलेंस करें. मैम आप तो कई जगह आपका ट्रांसफर किया होता रहा, आप जगह जगह आपकी पोस्टिंग रही है, तो छोटी सिटी जैसे कोटा SP भी आप रह चुके हैं, तो छोटी सिटी में पोजिशन में और अपना बड़ी मेजर जो अपनी सिटीज है मेट्रो सिटीज में, इसमें कहीं कोई फर्क आपको महसूस हुआ मैम ड्यूरिंग योर पोस्टिंग, और जैसे जो एक नॉर्मल ये पुलिस और एक हम सुनते हैं ना CID CBI, तो CID और पुलिस में कोई बहुत मेजर डिफरेंस होता है मैम, क्योंकि आप CID में भी रह चुके हैं, क्या फर्क रहता है मींस मैम? एक्चुअली देखिए, CID का जो परसेप्शन है कॉमन पब्लिक का, वो सीरियल देख के हो गया है जो प्रद्युमन को देखते हैं, बट एक्चुअली जो CID है ऐसे काम नहीं करती. जो CID है क्राइम ब्रांच का जो प्रोफाइल है, उसमें जो हमारी स्ट्राइक टीम है वो बहुत छोटा सा एक यूनिट होता है, फंक्शनल यूनिट होता है, और अदरवाइज हम लोग ऑफिस पोस्टिंग करते हैं, वी एक्चुअली सुपरवाइज द केस, नीटिग्रिटीज को हम लोग देखते हैं और बताते हैं, उस स्ट्राइक टीम एग्जीक्यूट करती है, जो आप TV पे देखते हो स्ट्राइक टीम दिखती है. हम जो वर्क करते हैं नॉर्मली हम ऑफिस में करते हैं, वो आई थिंक किसी सिनेमा में नहीं दिखाया जाता. और जो छोटी सिटी आपने कहा कोटा ग्रामीण, तो वो मेरी फील्ड पोजीशन थी एज SP डिस्ट्रिक्ट SP, उसमें बहुत ज़्यादा काम होता है, मतलब लगभग ये मान लीजिए कि हर दिन आप रात में 12 बजे से पहले फ्री नहीं होंगे, और आपका फ़ोन पूरी रात बजता है, रात में 3 बजे भी कॉल आता है आपको, और कोई मेजर एक्सीडेंट हो गया चाहे अर्ली मॉर्निंग 4 बजे, यू हैव टू रश टू दैट प्लेस, तो आप एकदम अपने टोज पे रहते हैं. जो हमारी क्राइम ब्रांच की जो पोस्टिंग है ये ऑफिस पोस्टिंग है, इसमें आपका नाइट वाला कोई ज़्यादा इशू नहीं होता, अंटिल अनलेस देयर इज़ अ VIP मोमेंट जिसमें आपकी ड्यूटी लगा दी जाती है. और छोटी और बड़ी सिटी का अंतर यदि वैसे देखें पुलिसिंग के हिसाब से, तो चैलेंज बिल्कुल अलग है. जैसे अभी कमिश्नरेट सिस्टम जयपुर में, जोधपुर में इसीलिए लाया गया कि एक छोटे से एरिया में बहुत लार्ज पॉपुलेशन रहती है और बहुत वेरिड क्राइम होता है, बट जो रूरल एरियाज होते हैं जैसे राजस्थान के भी, तो उनका क्राइम प्रोफाइल बिल्कुल डिफरेंट होता है. अच्छा ओके मैम, तो मतलब छोटी सिटी में मतलब जैसे कोटा में आपने तो रिस्पांसिबिलिटीज ज्यादा होती हैं एंड टाइमिंग ज्यादा है, मतलब वो पोजीशन पे है कि आप क्या हेड कर रहे हैं. जैसे आप कंपनी के CEO हो तो सारा कुछ ही आपका हेडेक है, बट इफ यू आर जस्ट अ यूनिट हेड तो आपको उस यूनिट को ही देखना है. अच्छा, बड़ी सिटी में आके थोड़ा सा डाइवर्जन हो जाता है, मतलब ओके थैंक यू सो मच मैम. हमारी फेलो मेंबर है नीलम मित्तल, वो आपसे कुछ पूछना चाहते हैं, ओवर टू यू नीलम. थैंक यू ललिता, वेलकम इन फोरम पदम मैम. थैंक यू नीलम जी. हाँ मैम, माय क्वेश्चन इज फ्रॉम कि आपका जो डिपार्टमेंट है वो 40 फीमेल विंग्स और एनी अदर्स विमेंस को कैसे हेल्प आउट कर सकता है फर्स्टली, एंड सेकेंडली ऐसा कोई स्पेशल मैसेज जो आप 40 फीमेल विंग्स को देना चाहें? देखिए 40 फीमेल विंग ऑलरेडी बहुत ही अच्छा काम कर रही है, थैंक यू. तो मैं यही कहूँगी कि इसको आप कंटिन्यू रखिए, और हम जो कर सकते हैं जो हमारा डिपार्टमेंट है, वट वी कैन डू इज यदि 40 वीमेन विंग इंटरेस्टेड हो तो एक ओरिएंटेशन सेशन जो फीमेल जो क्राइम होता है सोसाइटी में उनके ओरिएंटेशन के लिए हम करा सकते हैं. दूसरा एक इंटरफेस हम करा सकते हैं जिसमें कि हम ये बता सकते हैं कि डिपार्टमेंट किसी भी फीमेल डिस्ट्रेस से उसको क्या दे देता है, और जैसे आप लोग एंटरप्राइजिंग हैं तो हम आपको उन लोगों से कनेक्ट करा सकते हैं जिनको कि आपकी हेल्प की ज़रूरत हो सकती है. सोशल सेक्टर में जैसे मान लीजिए कि कोई इस तरह की बच्चियां हैं जिनको पढ़ना है, या पुलिस में भी बहुत जैसे कॉन्स्टेबलरी के हमारे बच्चे हैं उनको बहुत फैसिलिटीज नहीं मिल पाती, तो टू वे इंटरेक्शन हम लोगों का बिल्कुल किया जा सकता है. ओके, ऐसा कोई स्पेशल मैसेज मैम आप 40 फीमेल विंग्स को देना चाहें अपनी तरफ से, अपने डिपार्टमेंट की तरफ से? मैं यही कहना चाहूंगी कि आप जो विमेन अचीवर्स हैं उनको कवर कर रही है, बहुत अच्छी चीज है. आप ग्रास रूट लेवल पे भी मैं सिर्फ आपको ये कहना चाहूंगी कि उनको कवर करिए, जिससे हम भी प्रेरित होते हैं, जैसे ट्री मैन है इंडिया में जैसे, और बहुत सारे लोग हैं जो ग्रास रूट पे अनसंग हीरोज हैं, हीरोज एंड हीरोइंस हैं हमारे सोसाइटी के,
उनको आप सोसाइटी के सामने लाने का काम करें, तो मुझे लगता है कि किसी को भी छोटा महसूस नहीं होगा, किसी को भी ऐसा नहीं लगेगा कि मैं मेरा कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं दे सकता, क्योंकि सोसाइटी में हर इंसान को किसी ना किसी पर्पस के लिए बनाया है गॉड ने, मेरा ये मानना है। तो वो अपना जो माइंड है हर व्यक्ति दे सकता है, चाहे वो कितनी भी छोटी पोजिशन पे है, चाहे वो कोई भी काम कर रहे हैं, चाहे वो कोई भी रोल प्ले कर रहा है। ओके, थैंक यू सो मच मैम। ललिता, ओवर टू यू। थैंक यू बताया कि क्या हम और हम लोग, एंड थैंक यू सो मच मैम फॉर प्रेजिंग अस कि हम अच्छा काम कर रहे हैं, थैंक यू सो मच। हमारी फेलो मेंबर है अदिति मैम, वो आपसे कुछ पूछना चाहते हैं। ओवर टू यू अदिति। अदिति गुड इवनिंग एवरीवन। मैम आपको सुन के बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा कि इतनी सारी चीजें आती हैं जिंदगी में, फिर भी हम कुछ हासिल कर सकते हैं। तो मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि आपने आपने आपके पास में बहुत सारी चैलेंजिंग पोस्टिंग्स आपकी रही हैं, तो क्या उन पोस्टिंग्स में आपको कभी कोई परेशानी महसूस हुई, या आप और आपका कोई इंटरेस्टिंग सा आप हमारे साथ में किस्सा हो उसको शेयर करें? हाँ, इंटरेस्टिंग किस्से बहुत सारे हैं, लेकिन मुझे जो याद आता है सवाई माधोपुर में मेरी पोस्टिंग, डिस्ट्रिक्ट पोस्टिंग थी एज SP, तो वो किरोड़ी बैंसला जी, आपको पता है गुजर नेता हैं, तो वो जा रहे थे खंडार में, तो कलेक्टर साहब और मैं, क्योंकि वहाँ ऊपर नीचे है SP और कलेक्टर का जो ऑफिस है, तो हमने साथ ही मुलाकात की, उनको चाय पिलाई और उनको कहा कि आप खंडार मत जाइए, कि आपको बैठा लेंगे और फिर वहाँ पड़ाव हो जाएगा, एंड देन यू विल बी इन कन्फ्लिक्ट विद द गवर्नमेंट ऑफ द डे एंड विद अस ऑल्सो। तो एज अ जेंटलमैन ही सेड नहीं नहीं मैं जा रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं होगा, बट देन ही वेंट एंड इवेंचुअली ही हैड टू सिट ऑन अ धरना, तो वो महापड़ाव टाइप की सिचुएशन आ गई। तो सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि हमने उनको ये कहा था हमारा लॉ एंड ऑर्डर नहीं बिगड़ना चाहिए, तो उन्होंने खुद ही अपने लड़कों को लगा के उसको मैनेज किया, और वो फिर खुद ही हमारे पुलिस कैंप में आके, जो अक्रॉस दी रोड था, हमारे अदर ऑफिसर्स पोस्टेड थे, उनसे फिर हमसे फ़ोन पे बात करते थे। तो ये बहुत ही एक अच्छा एक्सपीरियंस रहा। फिर वो मिलने भी आए जब वो महापड़ाव ख़त्म हुआ, मीडिएशन तो ऑब्वियसली गवर्नमेंट ने की, फिर एक बुक दे करके गए, मतलब हम लोगों ने बुक्स एक्सचेंज की, जिसे बाहर बड़ा ऐसा इंप्रेशन होता है ना किरोड़ी मीना, किरोड़ी बैंसला, मेरे दोनों से अच्छे संबंध रहे क्योंकि मैं वहाँ पोस्टेड थी। तो जी कह के बात करो, ये मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है, और जी कहलवा लो, तो आप कहीं भी हो, किसी भी सिचुएशन में हो, कोई दिक्कत आपको नहीं आती। और एज अ फीमेल एक ये बहुत बड़ा एडवांटेज है कि आपके साथ जल्दी कोई गाली गलोच नहीं करता, मिसबिहेव करने की कोशिश नहीं करता, चाहे कोई कितना भी बड़ा हो, क्योंकि हम शुरुआती चीज़ से करते हैं, और वो भी कॉन्शियस होते हैं अपनी इमेज को लेके कि हमारे घर में भी बहन बेटियाँ हैं, कहीं कोई हमें मिसइंटरप्रेट नहीं कर ले। ये एडवांटेज रहा मेरा, ये मानना है फीमेल होने का, क्योंकि नॉर्मली लोग डिसएडवांटेज गिनते हैं कि आप फीमेल हो, फीमेल हो, फीमेल हो, तो एज ऑफिसर आपको दिक्कत आएगी। दिक्कत नहीं आती, बल्कि मेरा एक्सपीरियंस है कि हमारे लिए बहुत आसान रहता है, क्योंकि हमारे साथ फीमेल के साथ एक तो कोई भी उल्टी सीधी बात नहीं कर पाता, और कोई गाली गलौज से पेश नहीं आता, बहुत अदब से लोग पेश आते हैं। जी जी जी, थैंक यू मैम। मैम मेरा भी एक क्वेश्चन था, आपका जो होम टाउन के बारे में आपने बताया पंजाब, और उसका आपने बताया किस तरीके का एटमॉस्फेयर था, तो राजस्थान में आके आपको लिबरेटेड फील होता है क्या? आई थिंक लिबर्टी इज इन द माइंड, ऑल ऑफ अस आर लिबरेटेड, बॉर्न फ्री एज दे से, तो ऐसा कोई अंतर नहीं। हाँ, लेकिन सामाजिक उसमें अंतर है, जैसे अभी यहाँ एजुकेशन थोड़ा कम है पंजाब के कंपेरेटिवली, और क्योंकि पंजाब एक मोबाइल सोसाइटी रही है शुरू से, एक जिसको कहते हैं ना कि सारे संसार में पंजाबी फैले हुए हैं, कहीं भी अपॉर्चुनिटी दिखती है, चाहे वो UK है, चाहे कैनेडा है, दे विल मूव। राजस्थानीज आई फाइंड दे आर मोर होमसिक, मोर रूटेड, मतलब वो अभी भी अपने यहीं पे गांव में, घर में, वहीं आसपास ही नौकरी करना चाहते हैं, वहीं रहना चाहते हैं। तो ये एक अंतर मैं फील करती हूँ। दूसरा अंतर मैं फील करती हूँ रिचुअल्स में, पंजाब में रिचुअल्स बहुत कम है। जैसे मैं बॉर्न हिंदू हूँ, बट मुझे सिख रिलीजन की पूरी जानकारी है, क्योंकि हमारा बड़ा कॉम्पोजिट कल्चर है वहाँ पे, और सूफिज्म का बहुत ज़्यादा इफेक्ट है। तो राजस्थान में मैं ये फील करती हूँ कि लोग बेड़ियों में भी जकड़े हुए हैं,
जैसे मंदिर जाना है, तो जैसे पंजाब में हम लोग इस चीज का दिमाग नहीं लगाएंगे कि खाना खाया हुआ है, जैसे राजस्थान में वो नहा के और खाली पेट और बहुत सारी चीजों का ध्यान रखते हैं, या फिर कोई त्योहार आ गया तो फिर वो छुट्टी लेना चाहते हैं, जैसे वहां पे ये कल्चर नहीं है। मतलब वो माना जाता है कि भगवान मन के अंदर है, मन चंगा कठोती में गंगा, मतलब ये हमारे यहाँ बड़ी कॉमन सी एक कहावत है और ये मानी जाती है, मतलब ऐसा नहीं है कि कही जाती है, ये वास्तव में लोगों के जीवन में उतरी हुई चीज है कि काम पूजा है वहां पे, काम की बहुत इंपॉर्टेंस है। मे बी गुरु नानक देव जी का इफेक्ट रहा सिखिज्म का, तो आप अमीर से अमीर व्यक्ति हो गुरुद्वारे में जूते पॉलिश करता देखोगे, फर्श धोते हुए देखोगे, तो वो थोड़ा सा मुझे डिफरेंस राजस्थान में लगता है कि अभी भी फीमेल को यहाँ घर से बाउंड, खास करके रूरल एरियाज में जो बहुत गरीब लोग हैं वो लड़की को बकरी चराने भेज देते हैं, बेटे को ITI करा देते हैं, ये डिफरेंस यहाँ पे मैंने फील किया। मैम जो आपने डिफरेंस बताया, एक डिफरेंस और भी है, जो विमेन के अगेंस्ट जो क्राइम रेट है वो राजस्थान में कहीं ज्यादा है पंजाब के कंपैरिजन में। मैम इसके लिए हम लोग क्या कर रहे हैं और इसके रीजंस क्या हैं? देखिए एक अभी क्योंकि मैं बहुत लंबा समय विमेन एट्रोसिटी में क्राइम ब्रांच में मैंने काम किया, तो एक स्टडी उस समय शुरुआत की गई थी कि जो पोक्सो के मामले हैं जो कि नाबालिग हो रहा है, बहुत ही क्रूरता से हो रहा है, तो जिस पे कि इवन गवर्नमेंट ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने कॉग्निजेंस लिया, लॉ में चेंजेस किए, तो उसकी हमने कोशिश की कि ये समझे कि ये बढ़ क्यों रहा है, पहले नहीं था, अब अचानक से क्यों इतना होने लग गया। तो एक सेंटर फॉर चाइल्ड प्रोटेक्शन एक सेंटर है, यूनिवर्सिटी का एक सेंटर है स्टडी के लिए, तो उसमें ये समझ में आया, मतलब कुछ 7-8 केसेस चुनिंदा जब पड़े गए, कि जो इंटरनेट पे जो पोर्नोग्राफी जो फ्रीली अवेलेबल है एक टीनेज बच्चे को, जिसके हार्मोनल बैलेंस चेंज हो रहा है बॉडी में, उसको पता नहीं है और उसको सही इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही, तो ज़्यादातर जो अपराध किया गया वो 16 से लेकर के लगभग 30 की एज ग्रुप के मैन ने किया एक नाबालिग बच्ची के साथ। उनमें सब में लगभग वो उस इंसिडेंट के पहले पोर्नोग्राफी को देख रहे थे, या 2 दिन लगातार देख रहे थे, या उसके प्रभाव में बेसिकली उन्होंने ये जो क्राइम किया। तो जो हमारे पास जो मोबाइल डेटा फ्रीली और मोबाइल्स हर लोगों के हाथ में आ गया, बट उसके कमेंसुरेट एजुकेशन नहीं, सेकेंडली जो सोसाइटी का ग्रिप था वो कम हो गया। पहले एक मोहल्ले में बच्चे सेफ होते थे बिकॉज एवरीबडी न्यू एवरीबडी एंड चिल्ड्रन वर कंसिडर्ड टू बी द ज्वाइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द होल कम्युनिटी, दैट इज नाउ लैकिंग। मतलब उसके चलते भी लोगों को स्कोप मिलता है, मतलब वल्नरेबिलिटी बढ़ गई है बच्चों की, नया कल्चर आ रहा है कि लोग किसी दूसरे से कोई वास्ता नहीं रखना चाहते, तो इसका सोल्यूशन समाज में से ही निकल के आएगा। जैसे रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशंस हैं, फ्लैट्स हैं, जो मेरा अपना ये मानना है यदि उसमें जो ओल्ड एज लोग हैं उनको हम उस पूरी बिल्डिंग में छोटे बच्चों की जिम्मेदारी सौंप दें कि वर्किंग वेमेन का बच्चा आता है तो वो सेफ रहे, और CCTV कवरेज हो जो फीमेल को मिल जाए अपने मोबाइल पे। तो हम वल्नरेबिलिटी को जब तक रिड्यूस नहीं करेंगे, सबसे बड़ा काम है वल्नरेबिलिटी, बिकॉज पुलिस टू पब्लिक रेशो बहुत एडवर्स है, एक पुलिस पर्सन है बहुत सारे लोगों के ऊपर, तो वो संभव नहीं है कि चप्पे चप्पे पे आपकी पुलिस रहेगी। और इंसिडेंट होने के बाद ढूंढ लेना, वर्कआउट कर लेना तो CCTV से आप कर सकते हो, पर प्रिवेंशन मेरा ये मानना है बहुत इंपॉर्टेंट है, वरना हमारा सोसाइटी का फैब्रिक ही खराब हो जाएगा। देखिए हम बड़े हो रहे थे, जब मैं ही डिफरेंस फील करती हूँ मेरे और मेरी बेटी के अपब्रिंगिंग में, हमें विश्वास सिखाया गया छोटे होते से, हम अपनी बच्ची को अविश्वास सिखा रहे हैं कि फलाने पे विश्वास मत करना, उससे बात मत करना, उसकी दी चीज मत खाना, तो वी आर एक्चुअली एज अ सोसाइटी अंडरगोइंग थ्रू अ वेरी टफ टाइम एंड अ वेरी बिग ट्रांजिशन फेज। मैम क्या पुलिस एकेडमी और इन सब भी बैड टच गुड टच और इस तरह के कार्यक्रम को आगे बढ़ाती है, कुछ इस तरह की स्कीम्स हैं पुलिस डिपार्टमेंट की? हाँ हम अपनी एकेडमी में अपने स्टाफ को तो करते ही हैं सेंसिटाइज, पर जैसे कमिश्नरेट में आपने देखा होगा निर्भया स्क्वाड है जयपुर में, और इसी तरह से जो स्पेशल सेल्स बने हुए हैं वो स्कूल स्कूल में कॉलेज में जाके इस तरह की क्लिप्स जो ऑलरेडी अवेलेबल हैं, आपने देखा होगा 2-3 बहुत अच्छी क्लिप्स अवेलेबल हैं यूट्यूब पे, उनको दिखाते भी हैं और
स्पेशल जो काउंसलर्स हैं विमेन एंड चाइल्ड वेलफेयर डेवलपमेंट के, वो हमारे साथ मिलकर के जाते हैं और वो उस तरह की चीज़ें बच्चों को बताते हैं. लेकिन सेक्स एजुकेशन लैकिंग है, मतलब बहुत बड़ा इशू है. जैसे आप 40 विमेन विंग है, मे बी यू कैन हेल्प इट, कि बच्चों का पुबर्टी अर्ली हो गया ड्यू टू हार्मोन्स इन मिल्क एंड अदर रीजंस जो हम खाना खा रहे हैं उसके चलते. तो पर बच्ची उस समय तक मेंटली बिल्कुल ग्रो नहीं हुई होती. अब 10 ईयर की बच्ची, मतलब शी कैन बिकम अ मदर जस्ट बिकॉज ऑफ अ बायोलॉजिकल रीजन कि वो पुबर्टी स्टार्ट हो गई. इफ समथिंग बैड हैपेंस टू हर और समबडी गेट्स एन अपॉर्चुनिटी टू मिस यूज हर, तो ना तो ये समझ पाएगी उसके साथ क्या हो रहा है, ना उसको प्रोटेक्शन का पता है, ना उसको सेक्स का पता है. तो ये बहुत बड़ा हमारे लिए चैलेंज है एज अ सोसाइटी कि इसको हम कैसे हैंडल करें. कि पुबर्टी आने के बाद तो एटलीस्ट वी शुड हैव सम गाइडेड प्रोग्राम जिसमें कि जो गायनेकोलॉजिस्ट हैं, जो पीडियाट्रिशियंस हैं, जो काउंसलर्स हैं और चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट हैं, सब मिल करके कुछ उसको ग्रेजुअली बताएं कि दिस इज हैपनिंग इन योर बॉडी एंड व्हाई दिस इज हैपनिंग बायोलॉजिकली. मैम एक इस सेशन को एंड करते से पहले एक आखिरी सवाल और मैं पूछना चाहूंगी. एक्चुअली आपके सेशन के बाद बहुत सारे क्वेश्चंस मुझे काफी सारे रिपोर्टर्स भेज भी रहे हैं कि मैम से ये पूछो. तो मैम एक लास्ट सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगी. मैम आपकी जो यूनिफॉर्म है वो कितना मैटर करती है आपके पर्सनैलिटी पे? यूनिफॉर्म आप ये मानिए कि आइडेंटिटी है किसी भी पुलिस ऑफिसर की, जो आपको भीड़ से अलग करती है, जो ये शो करती है सोसाइटी को कि यस यू आर देयर टू एस्टैब्लिश रूल ऑफ लॉ एंड एक्ट अकॉर्डिंग टू इट. तो यूनिफॉर्म के बिना आई एम जस्ट एज गुड एज नेहा गुप्ता. मतलब मैं भी एक नॉर्मल इंसान हूँ, मैं परम ज्योति हूँ जब तक मैं यूनिफॉर्म नहीं पहनती. यूनिफॉर्म पहनने के बाद ही मैं पुलिस ऑफिसर का रूप एक तरह से आप कहते हैं कि असली तरीके से, और एक वो बल मिलता है कि यस आई एम देयर टू एनफोर्स समथिंग. जी मैम, आपकी जो फोटो आई थी और अभी आप बिंदी और सब एक नॉर्मल महिला की तरह हैं, अगर ये दोनों रखा जाए तो शायद पहचानना मुश्किल हो सकता है. यस यस दैट इज ट्रू, क्योंकि घर पे हूँ, संडे है, तो आज मैं मदर हूँ, आज मैं वाइफ हूँ, और कल अगेन ऑफिस में होंगे तो देन आई एम अगेन अ पर्सन, अ पुलिस ऑफिसर. तो एक फीमेल को ये ब्लेसिंग है भगवान की तरफ से कि हम अलग अलग रोल्स को बैलेंस कर सकते हैं. ये कैपेसिटी हमें ऊपर वाले ने बख्शी है. मैं हमेशा ये कहती हूँ अपने पीयर्स को, मेरे बैचमेट्स को भी, कि ये तुम लोग जो कहते हो ना कि हमें डिसएडवांटेज है, हमें एडवांटेज है. यू कैन नॉट वियर अ साड़ी, यू कैन नॉट वियर अ बिंदी, यू कैन नॉट बेयर चिल्ड्रन. सो वी आर मल्टीफेसेटेड एंड वी आर ब्लेस्ड बाय गॉड. थैंक यू सो मच मैम. एक क्वेश्चन था मैम, बस लास्ट जाते जाते, ये जैसे लॉ के बारे में हम लोगों को इतना पता नहीं है, और जैसे कानूनन महिलाओं के लिए जो होता है, जैसे कोई कई बार हम सुनते हैं कि भाई जबरदस्ती आपको मतलब थाने पे शाम के बाद नहीं बुलाया जा सकता है, चाहे बयान लेने के लिए हो, चाहे किसी भी चीज के लिए हो, या फिर कई बार ट्रैफिक में होता है गाड़ी रोक लेते हैं, बोले नहीं नहीं आपकी गाड़ी के पेपर नहीं, चलिए थाने चलिए आप. तो फीमेल्स को मतलब क्या है, हमारे राइट्स क्या है, हम लोग सपोज हमसे कोई गलती होती भी है ऑन द स्पॉट, कोई चीज हो जाती है, तो फिर भी हमारे क्या राइट्स हैं कि हम थाने में जाने से किस तरह से मना कर सकते हैं कि हम हमारे घर वालों को बुला लें या अपने किसी लॉयर से बात कर लें, या पुलिस उसी समय आपको कह रही नहीं आपको थाने चलना पड़ेगा, या रात भर भी बिठा लेते हैं. कई बार मैंने देखा है जो ये कच्ची बस्ती या बहुत गरीब तबके से महिलाएं, उनको मैंने एक दो बार कोई काम से गए थे, क्योंकि थाने में कुछ देना करना कुछ होता है, जैसे कोई अच्छा सोशल वर्क करते हैं वहां पे, तो हम जाते हैं तो देखते हैं फीमेल्स की वहां पे अंदर उनको बिठा के रखते हैं. तो मैंने कहीं पे पढ़ा था कि नहीं होता, मतलब रात को नहीं इनको बिठा सकते हैं, ऐसा कुछ होता है. तो क्या है मैम उसकी थोड़ा सा क्लियर आप करेंगे, क्योंकि हम लोगों को नॉलेज नहीं है. हाँ एक्चुअली देखिए लॉ में ये बहुत स्पष्ट है कि यदि फीमेल ये चाहती है कि केस है, मान लीजिए 498A का केस ले लीजिए दहेज का, एक फीमेल दर्ज कराती है बट अदर फीमेल के अगेंस्ट, अपनी मदर इन लॉ या अपनी सिस्टर इन लॉ के अगेंस्ट, तो दोनों तरफ फीमेल इन्वॉल्व है. तो जब पुलिस जांच करने जाएगी तो जो सास है वो भी फीमेल है, बट जो शिकायत करता है वो भी फीमेल है,
तो ये तो दिया हुआ है कि पुलिस पहले फोन करके उनकी कन्वीनियंस के हिसाब से इफ दे से कि यस यू कम देन दे'ल गो, ये क्योंकि एक सोशल टाइप का केस है. बट अब कंट्रास्ट इट विद अ क्रिमिनल केस, जैसे कोई ऐसी बंदिश नहीं है कि ड्रग्स नहीं रख सकती. मान लीजिए किसी फीमेल के पास ड्रग्स हैं, अब वो एक कल्प्रिट है, उसको पुलिस रात में भी बिना वारंट जाके लेके आ सकती है. ये मोटा डिफरेंस है. पर जो आपने वो बताया गरीब तबके की जो औरतें हैं उनको बिठा के रखा होता है, वो कतई अगेंस्ट द लॉ है. दैट इज नॉट एज पर लॉ अंटिल अनलेस कि वो किसी आरोप में उनको पुलिस को कस्टडी मिली हो या पुलिस ने अरेस्ट किया हो. अरेस्ट के केस में आप रात या दिन का डिस्टिंक्शन नहीं कर सकते. अरेस्ट के केस में ऑल यू नीड इज इफ अवेलेबल, अगेन लॉ रीड्स इफ अवेलेबल. यदि फीमेल कांस्टेबल थाने पे अवेलेबल है तो उसको साथ लेके जाना जरूरी होता है अरेस्ट के समय पे, और नहीं अवेलेबल है तो एनी पुलिस ऑफिसर कैन एक्चुअली एग्जीक्यूट एनी लॉफुल थिंग. जो आपने बताया कि रास्ते में ट्रैफिक का जो पुलिस है वो रोकता है आपको, यदि आपके पास सारे वैलिड डॉक्यूमेंट्स हैं देन देयर इज नो नीड, क्योंकि कंपाउंडेबल है नॉर्मली सारे जो ट्रैफिक के ऑफेंसेस हैं. बट यदि सीजर ऑफ व्हीकल का कोई केस बनता है, सीजर ऑफ व्हीकल उस केस में होता है जब आपके पास आरसी भी नहीं है उस व्हीकल की, लाइसेंस नहीं है, या आपके पास उसके इंश्योरेंस नहीं है व्हीकल की. तो सीजर के सिर्फ केस में, बिकॉज उसी केस में वो आपको कह सकता है कि आप थाने पे चलिए. अदरवाइज स्टैंडर्ड प्रोसीजर इज कि आपका आईडी या जो भी ड्राइविंग लाइसेंस है उसको पंच करके या उसको ले लेगा और आपको चलान देगा. जो कंपाउंडिंग होगी वो बाद में आप जमा करा दें. जी मैम, थैंक यू सो मच मैम, क्योंकि इस चीज की अवेयरनेस लोगों को नहीं है, मतलब हम जैसे लोगों को भी कम नॉलेज होती है इसकी, कि ये ज्यादा से ज्यादा मालूम चले. तो थैंक यू सो मच हमारे मेंबर्स को इन चीजों की जानकारी देने के लिए. थैंक यू सो मच मैम, एंड थैंक्स अ लॉट मैम, आप आए, आपने टाइम दिया. नेक्स्ट कोई अच्छा हम लोग करेंगे तो इवेंट साथ में मिलके कोशिश करेंगे कि आप लोगों के साथ मिलके कुछ हम लोग सोशल कुछ करें. थैंक यू सो मच फॉर टाइम.